मेरे गुरु भाई बहनों को आज मेरे चैनल पर फिर स्वागत है। मैं आज एक सास बहू की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को मेरा कथा पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय शिव लिखिए। जय शिव। एक छोटा सा शहर था, उस शहर में एक बूढ़ी सास थी और उनकी दो तीन पतोह थी। तो रक्षाबंधन का आया दिन, तो सास ने देखी कि सब अगल बगल का लोग बहू लोग जा रही है माई के यहाँ। तो वो भी बोली अपनी बहू से कि बहू तुम लोग भी जाओ अपनी माई के यहाँ, जाकर भाई को राखी बांध करके आओ। तो दोनों बहू तो बहुत खुश थी, बोली कि हाँ माँ जी ठीक बोल रहे हैं, हम लोग जाएंगे। लेकिन छोटी वाली थी तो मन में कुछ था उसको, तो वो नहीं बोल पाई। फिर लेकिन बार बार सास बोल रही थी कि छोटी बहू तुम भी जाओ। तो बोली कि हाँ माँ जी जाएंगे। फिर कुछ देर हुआ तो फिर बोली सास की अभी गई नहीं बहू, इतना टाइम हो गया जाओ। बोली कि ठीक है माँ जी जा रहे हैं। मन में सोच रही है कि जाएंगे तो भाभी जाने देगी नहीं, तो कैसे हम राखी बांधेंगे भैया को। फिर मन में सोची कि ठीक है जाते हैं, अगर भैया कहीं रास्ते में भेटा जाएंगे तो वहीं से बांध के चले आऊँगे। तो जाते जाते गांव के कुछ पास पहुँची तो उसी रास्ते से भाई आ रहे थे। भाई भी बहुत खुश हुए, बहन भी बहुत खुश हुई। तो बहन बोली कि भैया से आप ही के लिए हम तो सोचे कि भैया बाहर में आएंगे तो राखी बांध देंगे, घर में तो भाभी जाने नहीं देगी, तो भैया दीजिए आपको यहीं राखी बांध देते हैं। तो भाई बोले कि नहीं नहीं राखी मत बांधो बहन, से घर में अगर जाएंगे तो हमको भी भाभी तुम्हारी निकाल देगी। डर के मारे भैया राखी नहीं बंधे। फिर बहन लगी सोचने कि अब क्या करूँ, फिर घर जाएंगे तो फिर सासू माँ पूछेंगे राखी बांधे तो मैं क्या बोलूँगी। फिर सोच विचार के बोली कि ठीक है बोल ही देंगे, सच ही बोलेंगे। फिर चलने लगी कुछ दूर जाते जाते रास्ते में एक नाग बैठा हुआ था। तो बोल रहा है कि बहन कहाँ जा रही हो, कहाँ ले कुछ सोच रही हो, आओ मेरा ही पोछी में राखी बांध दो। तो बोली कि नहीं भैया आप तो नाग देवता हैं तो काट दीजिएगा। अच्छा नहीं बहन, हमको भी बहुत शौक है कि मेरी बहन होती तो आज रक्षाबंधन में राखी बांधती, तो ये सोचा हम काटेंगे नहीं बहन, से हम अपना पोंछ बढ़ा दे रहे हैं तुम बांधो उसी में राखी। तो उसी तरह करके मन में डर भी लग रहा था कि कहीं काट नहीं दे, राखी बांध हो ली। तो बोले कि भैया ठीक है अब हम जा रहे हैं। तो नहीं बहन कैसे जाओगे, चलो मेरे घर, अब तुमको कुछ देंगे ले दे करके तो भेजेंगे ससुराल, ये तो सब लोग बोलेगा कि भाई को राखी बांधे तो क्या मिला है। फिर आगे आगे सांप चले, पीछे से बहन चली, जाते जाते देखी कि बहुत गई, उनका बहुत बड़ा घर था। बोले कि बहन यहीं रुको, तुम्हारी भाभी को बुलाते हैं। तो गए तब बोले कि जी तो सुनो देखो मेरी बहन आई है राखी बांधने। तब भाभी ने बोली कि कहा कब से आपकी बहन हो गई, आओ ना देखो। तो भाभी भी बहुत प्यार से ले गई घर में, फिर आने लगे रहते रहते। तो भैया बोली चार दिन हो गया, तो बोली कि भैया अब हम घर जाएंगे अपने। तो बोले कि अच्छा ठीक है बहन कल चले जाना, आज हम जा रहे हैं हम लोग, तो तुम्हारे लिए सब सामान वामान ले आएंगे तो कल तुमको विदा कर देंगे। तब तो अपना सब समेट उमेट के जितना सांप बिच्छू था तो एक घर में रख दी थी। तब दरवाज़ा बंद कर दी तो जाने लगी बाजार। तो बोले कि सब कुछ घर देखे ना, लेकिन ये वाला घर जो है ना वो नहीं खोलना है, कह के दोनों अपना चले गए। तब वो अपना मन में सोच रही है कि भाभी ये घर काहे ले मना करी कि इस घर को नहीं खोलना, तो देखते हैं कि क्या है, भाभी काहे मना की है। तो गई तो देखी कि एक ड्राम रखा हुआ है, उसमें बहुत सा सांप गुंजर सब बिच्छू है। तो जैसे ही खोली ड्राम उसे एक ये सांप डसने के लिए निकला, तब तक फट दे बंद गिरा दी ढक्कन, गिराई तब तक उसका पैर टूट गया, चली भाग।
फिर भाई वही आया और जल्दी से बोला कि भैया हमको यहीं से भेज दीजिए, हैं घर में मत ले जाइए। अरे नहीं बहन चलो सुबह में जाना, तो नहीं भैया यहीं से दे दीजिए हम चले जाएंगे। और उसको मन में डर लग रहा था कि भैया अगर देखेंगे भाभी तब बोलेंगे कि मेरा बच्चा को पैर तोड़ दिए तो हमको यहीं में कार टूट देंगे। फिर वो अपना चली गई, गए तब अपना सब बोले भाई की सब निकाल दो बच्चा लोग को, तब सबको निकाली तो एक ठोके तब पैर टूटा हुआ था। तब बोल रही है नागिन कि अब देखें, अब बोल रहे थे ना कि मेरी बहन है, देखिए मेरा बच्चा को क्या हाल कर दी है, ऐसे जाइए जल्दी से जाइए उसको डांस करके आइए। अब बोले कि अरे बहन है वो कह ले लोग अपने में लड़ाई करके तोड़ दिया होगा। अच्छा नहीं नहीं अब जाइए बदला लेकर आइए। गए गए तो जहाँ वो सोती थी तो उस पलंग के नीचे बैठ गए कि रात में बहन सोएगी तो हम अपना डांस के चले जाएंगे। तो बैठे हुए थे तो जब सब काम वाम कर ली तो जा करके सोई तो बोल रही कि हे भगवान हे शिव गुरु सबका रक्षा करे, मेरा बाल बच्चों की भी रक्षा करे, मेरा भाई भौजाई और जो मेरा भतीजा का जो पैर टूटा है उसको भी हे शिव गुरु जी आप ठीक कर दीजिए। तब नाग देवता सुने तो बोलते बाप रे बाप मेरी बहन तो मेरे हम ही सब एकदम लीन है, इतना दया मांग रही है। फिर वो नहीं काटे चले गए। गए तो बोले कि बाप रे बाप बहन में हम ही लोग में एकदम लीन है, देखे कि काम हम उतना करी काम करके आई आ तब दया मांग रही है शिव भगवान से। तो ठीक है अब नहीं ना काट के हम जा रहे हैं काटने। फिर वो भी आकर पलंग के नीचे बैठी। तो फिर जब काम हम करके आई तो फिर बोलने लगी कि हे भगवान हे शिव गुरु बाल बच्चा सबको आबाद रखिए, मेरा भाई और भाभी को भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ाइए हे भगवान, और मेरा भतीजा का जो पैर टूटा है उसको भी ठीक कर दीजिए। तो नागिन भी सुनी तो बोलती बाप रे बाप हम गलत हम सोच रहे हैं, वो तो हम ही लोग एकदम शिव जी से वरदान मांग रही है नहीं काटेंगे। फिर चली गई तो वो जो जिसका पैर टूटा था वो बोला कि आप लोग नहीं ना काटे हम खुद जा रहे हैं। फिर वो आकर के वो भी वहीं बैठ गया। तो फिर अब यही शिव गुरु को मनाने लगी कि हे भगवान हे शिव गुरु मेरा भतीजा का जो पैर टूटा है उसको ठीक कर दीजिए। तब भतीजा बोला कि वो हम लोग गलत समझ रहे हैं, बुआ तो इतना हम लोग के लिए दया मांग रही है हम अब काटेंगे नहीं। फिर आई सामने अपनी बुआ के पास। तो बुआ अब लगी सोचने कि अब क्या करें, सब लोग तो सास नाना धंसेगी बोलेंगे कि मेरा भतीजा है था। तो बोली कि ठीक है बाबू तुम घर से बाहर नहीं होना है, हाँ तुम घरे में रहना है। बोला ठीक है बुआ, अपना घरे में रहने लगा, खाना पीना दे देती थी खा पी कर घर में ही रहने लगा। अब कुछ दिन के बाद सबका भतीजा उतीजा आया तब वो भी बोली कि मेरा भी भतीजा है। तो कहा भतीजा तुम्हारा है, कभी तो आता नहीं है, तो नहीं कहीं अगर आप लोग नहीं मारिएगा तो हम बोलते हैं मेरा भतीजा को आने को। तो जा कर के बोली कि बाबू को किसी को काटना नहीं, चलो सब लोग आप बुला रहा है तुमको। तो आया तो सब लोग बोलने लगा यही भतीजा है तुम्हारा, तो हाँ मेरा यही भतीजा है बोल करके तो रहने लगा। अब सबके साथ में रहने लगा, किसी को काटता उड़ता नहीं था। तब किसी राजा के घर में शादी लगा तो बारात उरात आया, तब देखा कि सब लोग दान दहेज दिया है तो एक हार के लिए बारात लौट जा रहा था कि नहीं नहीं हार नहीं दिए तो हम शादी नहीं करेंगे। तब वो भी गया था देखने तो सब लोग बोला कि वो रानी का तो भाई भाभी दिया है उसके पास जरूर हार होगा, तो चलिए जाकर के आराध भर खातिर के मांग कर ले आया जाए। तो सांप जो है सुन रहा था तो आके तुरंत बुआ से बोला कि बुआ पापा ये दिए हैं हार, तो वो लोग आ रहे हैं मांगने, हार बिना बारात लौट रहा है। तो नहीं बहू कहाँ हार, सब कुछ तो दिए पापा भैया दिए लेकिन हार नहीं दिए, ठीक है हम अभी जा रहे हैं लेकर के आते हैं। फिर गया दौड़े दौड़े पापा मम्मी से अपना हार लेकर के आया, बुआ को दे दिया, बोला कि बुआ अगर वो लोग मांगने आएंगे तो आप दे दीजिएगा उन लोग को। तब वो लेकर के आया, फिर वो लोग आया जिसके घर में शादी था, तब आया हार मांगने तो रानी हार दे दी।
फिर अब उसका शादी ब्याह हो गया, अच्छा से खुशी से विदाई हो गया, सब बारात चला गया। तब फिर गुरु भाई बहन और मेरा कथा समाप्त हुआ। जय श्री